बदलापुर के पास महालक्ष्मी एक्सप्रेस पानी में फंसी। चारों तरफ पानी का सैलाब। ट्रेन में फंसे हैं 700 यात्री। नौसेना और एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी। ये तस्वीरें किसी तालाब या नदी की नहीं है, ये बारिश के पानी से आए जलजले की तस्वीर है जिसने एक ट्रेन की रफ्तार को रोक दिया। और रोका भी ऐसा कि बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ सेना और नेवी की भी मदद लेनी पड़ी। दरअसल महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश की वजह से बदलापुर के पास महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन पानी में फंस गई जिसमें 700 लोग मौजूद थे। बचाव कार्य में नेवी की 7 टीमें, भारतीय वायुसेना की 2 हेलीकॉप्टर, 4 आर्मी की टुकड़ी राहत कार्य में लगाई गई। बताया जा रहा है कि अभी तक 500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यात्रियों को हेलीकॉप्टर और नाव से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहां से उन्हें बदलापुर भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से महालक्ष्मी एक्सप्रेस में बचाव अभियान की निगरानी करें। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर पहुंचकर 8 नावों की मदद से यात्रियों को निकाल रही है। रेलवे की तरफ से ट्रेन में फंसे हुए यात्रियों को बिस्किट और पीने का पानी बांटा जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर में ही रेलवे सुरक्षा बल और शहर की पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां ट्रेन पानी में भयंकर तरीके से फंसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।